अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का है सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब्स स्पाइस उतनी खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बिस खपरा जड़ी बूटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों बिस्खपरा जड़ी बूटी को पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब के अंदर आमतौर पर इटसेट बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है ट्राइथीमा पोर्टुलेके ट्रम बोला जाता है। और दोस्तों बिस्खपरा जड़ी बूटी जो नेटिव तौर पर ड्राई और सैंडी रेत के ऊपर बहुत ज्यादा उगती है। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर चोरिस्तान और थर के जो रेतीले बंजर इलाके वहाँ पर भी उगी हुई नजर आती है, और अक्सर दोस्तों ये खेतों के अंदर भी उगी हुई नजर आती है। और दोस्तों बिस्खपरा जड़ी बूटी जो है दो तरह की पाई जाती है, एक के ऊपर सफेद रंग के फूल आते हैं, एक के ऊपर लाल और गुलाबी कलर के फूल आते हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो टिप के अंदर जो है सफेद फूलों वाली ही इस्तेमाल होती है। और दोस्तों इसका जो मिजाज है गर्म खुश्क है। दोस्तों बिस्खपरा प्लांट का जो है हर्बल मेडिसिन के अंदर जड़ें भी इस्तेमाल होती है, इसका तना भी इस्तेमाल होता है, इसके फूल भी इस्तेमाल होते हैं। और दोस्तों आमतौर पर बिस्खपरा जड़ी बूटी को पूरा ड्राई करके इसे पीस लिया जाता है और इसे 2 ग्राम तक इस्तेमाल कराया जाता है मुस्लिम बीमारियों के अंदर। और दोस्तों बिस्खपरा के बीज भी इस्तेमाल होते हैं जिसे तुख में बिस्खपरा बोला जाता है। दोस्तों एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी रखता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, और दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेशन है जिसे में से सोजिश को खत्म करता है। अगर दोस्तों कोई जहरीला कीड़ा काट गया तो उसका इलाज भी इसके साथ किया जाता है। और दोस्तों खून को साफ करता है। और दोस्तों इसके अलावा कमर दर्द की अद्वियात के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों गैस का बेहतरीन इलाज है जिसे में से गैस को खत्म करता है। और दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है ये आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है। दोस्तों आंखों की रोशनी को तेज करता है, आंखों की बसारत में इजाफा करता है। और दोस्तों सर्दी से होने वाली तमाम किस्म के बुखारों को ये दूर करता है, स्पेशली सर्दी के अंदर जो खांसी लग जाती है, नजला जुकाम होता है, उसे भी ये दूर करता है। और दोस्तों से मर्दाना ताकत की अद्वियात के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मनी को गाढ़ा करता है, मनी को ताकतवर बनाता है, मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। और दोस्तों ऐसे बच्चे जिनके साथ सोखड़ापन होता है यानी जो सूख जाते हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी हकीम लोग खास किस्म का नुस्खा जहाँ बनाते हैं सोखड़ापन को दूर करने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा लीवर के बहुत सारे अमराज के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली अरकान के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों खवातीन की पोशीदा बीमारियों को भी दूर करता है, स्पेशली अगर उनका हैज बंद हो गया तो हैज को ये खोलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पेशाब बंद हो गया तो ये पेशाब आवर है, रुके पेशाब को खारिज करता है। और दोस्तों बिस्खपरा जड़ी बूटी आपको पाकिस्तान इंडिया के बड़े पिंसारी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगी। और दोस्तों ये एक आम बूटी है, इसके अलावा इसे आप दोस्तों हर्बल ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। चले दोस्तों ये तो थे बिस्खपरा जड़ी बूटी के बारे से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के वाले से। दोस्तों इसकी जो मकदार खुराक है 2 ग्राम है, क्योंकि ये गर्म खुश्क होता है, तो ऐसे अफराद जो ऑलरेडी गर्म तबीयत के हैं वो खुद से इसे इस्तेमाल ना करें, किसी अच्छे हकीम का ही नुस्खा इस्तेमाल करें। अदरवाइज इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा लेने से दोस्तों जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतली होती है, दिल खराब होता है। चले दोस्तों ये तो थे बिस्खपरा जड़ी बूटी के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिस्खपरा जड़ी बूटी के हवाले से मैंने जो आपको वीडियो बना के दिए आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है बिस्खपरा जड़ी बूटी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा किसी और जड़ी बूटी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी फ्रूट वेजिटेबल स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, चाहे ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या दोस्तों कोई बीमारी का साइकोलॉजिकल मसला, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्लिक कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।